राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस से उत्पन्न हालातों के कारण बजट सत्र की शेष अवधि को तय करने के लिए आज उच्च सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक की। इस दौरान वित्त विधेयक लोकसभा से बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। जल्द ही इस विधेयक को राज्यसभा से भी पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें बजट सत्र के लिए निर्धारित कार्य को पूरा कर सदन की कार्यवाही स्थगित करने के बारे में फैसला लिया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यातायात सेवाएं बाधित होने के कारण शुक्रवार को दोनों सदनों की बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, जिससे सदस्यों को समय से पहुंचने में परेशानी न हो। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के नेता कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बताते हुए नायडू से सत्रावसान करने की मांग कर चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।